हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रज्ञा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी या पीसीओएस आजकल बच्चियों में, एडल्ट्स में मिलने वाली एक कॉमन समस्या है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि पीसीओडी क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, कैसे साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या है। चलिए पहले बात कर लेते हैं पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी या पीसीओएस का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेराइन डिसीज या सिंड्रोम। यह होती क्या है दोस्तों, जब कहीं पॉलीवर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब होता है मल्टीपल या बहुत सारे। तो जब ये पॉलीवर्ड किसी फीमेल के डायग्नोसिस में यूज किया जाता है इसका मतलब होता है उसकी ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन गए हैं। अब ये सिस्ट क्या होती है दोस्तों, जनरली हम समझते हैं कि सिस्ट पानी से भरी एक गुब्बारे जैसे दिखने वाली एक संरचना होती है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेराइन डिसीज कहते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि जो हमारा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कैसे चलता है और इसकी वजह से ये कैसे इफेक्ट होते हैं। हमारी बॉडी में दो मेजर फीमेल हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब हमारा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो रिप्रोडक्टिव फेज में ये दोनों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहते हैं, साथ ही साथ ओवरी कुछ अमाउंट में मेल हार्मोन भी रिलीज करती है। लेकिन इस डिसीज में जब बॉडी में मेल हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फीमेल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने लगता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, 2 to 3 months बाद आते हैं, कम मात्रा में आते हैं, 4 to 5 days तक चलते हैं, कभी कभी पीरियड्स 15 days तक चलते हैं और कभी कभी तो 3 to 4 months पीरियड्स आते ही नहीं है। ऐसा होता क्यों है दोस्तों, क्योंकि ओवरी हर मंथ एक ओवम मैच्योर करती है और उसे रिलीज करती है, लेकिन जब बॉडी में एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, इसकी वजह से ओव्यूलेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाता। जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाता है तो फीमेल को मेंसेस नहीं होते, जब पीरियड्स ही नहीं होंगे तो एग रिलीज नहीं होगा, जब एग रिलीज नहीं होगा तो यही एग अपनी आउटर लेयर के साथ मिलकर बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बना लेता है। जब ये प्रोसेस बॉडी में लगातार चलती रहती है तो हमारी बॉडी में मल्टीपल सिस्ट बनने लगते हैं। कारणों की वजह से कुछ फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की समस्या भी होने लगती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पीसीओडी के कॉसेस के बारे में। मेडिकल साइंस में एसएच पीसीओडी का कोई कॉज नहीं है, लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री में पीसीओडी रहा है उन फीमेल्स में या गर्ल्स में पीसीओडी होने के चांसेस ज्यादा पाए गए हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि पीसीओडी के केसेस में हमें फीमेल्स में जनरली क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले तो फीमेल्स में हमें इरेगुलर पीरियड्स की समस्या देखने के लिए मिलती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है। जब बॉडी में मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फीमेल में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है, फेस पे, चेस्ट पे, आर्मपिट्स पे। कुछ फीमेल्स में हमें जनरली पिगमेंटेशन की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। ज्यादातर फीमेल्स में हमें वेट गेन की टेंडेंसी देखने के लिए मिलती है। पीसीओडी के दौरान फीमेल्स में बहुत ज्यादा वेट गेन होने लगता है। इसके अलावा हमें फीमेल्स में बड़े बड़े साइज के पिंपल, एक्ने देखने के लिए मिलते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें पीसीओडी के दौरान एक फीमेल में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए दोस्तों ये तो हो गई साइन एंड सिम्टम्स की बातें, अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनका पीसीओडी के केस में बहुत अच्छा रोल देखने के लिए मिला है। सबसे पहली मेडिसिन है ओफोरिनम 6x, जो हमारी ओवरी को मैच्योर करने में हेल्प करती है, ये पीसीओडी में बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन है एपिस मेल्फिका। एपिस मेल्फिका में पीसीओडी के दौरान फीमेल में हमें स्टिंगिंग टाइप का पेन देखने के लिए मिलता है ओवेराइन रीजन में। तीसरी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला में पीसीओडी के दौरान हमें फीमेल्स में लेट मेंसेस की समस्या देखने के लिए मिलती है, मेंसेस स्कैंटी होते हैं, पीरियड्स के दौरान फीमेल में मूड स्विंग्स की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा सीपिया में हमें इरेगुलर पीरियड्स की समस्या देखने के लिए मिलती है,
और फीमेल में बियरिंग डाउन टाइप का पेन होता है लोअर बैक एंड एब्डोमेन में। ये सारी मेडिसिन पीसीओडी के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। लेकिन दोस्तों, हर व्यक्ति का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलग पिक्चर होती है। हर फीमेल्स में हमें अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति को उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। इसीलिए अगर आप पीसीओडी से परेशान हैं या पीसीओडी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।